हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम कल वाला ही टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमारा था कैपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। और इसके अंदर हमने कैपलर के दो लॉज पढ़ लिए थे, टोटल थे तीन, ठीक है। तो उनमें से जो पहला था वो क्या था कि जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये लेट से ये हमने सन मान लिया और जो प्लैनेट्स है वो इसके चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। बशर्ते, शर्त क्या है कि जो प्लैनेट, जो सन है वो उस प्लेनेट के इस पाथ के, जो इलिप्टिकल पाथ है, इसके किसी एक फोकस पॉइंट पे रहे, ठीक है। शर्त ये है कि सन किसी एक फोकस पॉइंट पे होता है और सन उसके चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, ठीक है। और जो दूसरा लॉ क्या था वो था कि ये जो प्लेनेट है, ठीक है, प्लेनेट और सन, इनके बीच में जो लाइन, मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लेट अस प्लेनेट आपका यहाँ पर है, तो ये हो गई वो लाइन जो प्लेनेट और सन को क्या करती है, ज्वाइन करती है। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, ठीक है। तो लेट अस से कोई भी आप डेल्टा टी टाइम ले लो, उसके अंदर ये लेट अस से यहाँ पर पहुँच जाता है कोई भी डेल्टा टी टाइम में, तो ये जो एरिया है, फिर आप नेक्स्ट कोई एक डेल्टा टी टाइम, उतना ही डेल्टा टी टाइम लो और उतने ही टाइम में वो उतना ही एरिया क्या करेगा, स्वैप करेगा, ठीक है। तो ये जो डी ए है वो इस डी ए के क्या होगा, इक्वल होगा, बशर्ते ये जो डेल्टा टी है वो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अगर ये जो टाइम है वो इक्वल है तो ये जो एरिया स्वैप कर रहा है, ये जो आर है, जो इसका पोजीशन वेक्टर है, वो सेम एरिया स्वैप करेगा, ठीक है। ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ कैपलर प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। तो थर्ड है जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो है द हार्मोनिक लॉ। थर्ड क्या है, द हार्मोनिक लॉ, ठीक है। अब देखो, पहले मैं इसका स्टेटमेंट बोल देता हूं। ये लॉ क्या कहता है कि जो स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिट, ये टाइम पीरियड है और ये इसका स्क्वायर है। टाइम पीरियड मतलब ये आपका प्लेनेट लेट अस से यहाँ से शुरू हुआ और ये पूरा एक ऑर्बिट कंप्लीट करके वापस यहाँ तक आ जाता है, तो उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। अर्थ के लिए ये कितना है, 365 डेज ऑलमोस्ट, ठीक है, वो कितना है, 365 डेज, वन ईयर, ठीक है। ये क्या है उसका ऑर्बिटल पीरियड, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब बात है सेमी मेजर एक्सिस के अंदर कौन सा है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये वाला जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कहलाता आपका सेमी माइनर एक्सिस, इसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो कहलाता आपका ए, सेमी मेजर एक्सिस ए, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो इस लेक्चर में हम ये प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम जो रिजल्ट यूज़ लेंगे, जो हमने आपके फर्स्ट लॉ को डिडक्ट करने में और सेकंड लॉ को डिड्यूस करने में जो हमने जो हमारे रिजल्ट्स आए थे, हम उन्हीं को यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला हम यूज़ करेंगे वो करेंगे सेकंड लॉ, जिसके अंदर हमने क्या निकाला था, एरिया, ठीक है, जो डी ए का वैल्यू, डी ए ओवर डी टी, उसका वैल्यू आया था हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये आया था हमारे पास, ठीक है। देखो कुछ ऐसे लेट अस से ये मैं कुछ यहाँ से ड्रॉ करूँ, ये आपका हो गया आर वेक्टर, ठीक है, और ये लेट अस से कोई भी एक हो गया आपका डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है,
इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, ये जो आपका ट्रायंगल बना है, ये जो आपका ट्रायंगल बना है इसके एरिया के इक्वल होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ये मैंने डी थीटा ज़्यादा ले लिया तब आपको ये और इसका डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर ये डी थीटा बहुत कम लेते हैं तो इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं इक्वल। तो यहाँ से आप जो एरिया है डी ए का वैल्यू वो क्या ले लिया हमने, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा ये वाला जो आर्क है वो कितना हो जाएगा आर डी थीटा। तो यहाँ से डी ए का जो वैल्यू आया था वो आया था 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, फिर हमने डी ए ओवर डी टी का वैल्यू निकाल दिया था तो वो आ गया था 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट, मतलब डी थीटा ओवर डी टी, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारे पास डी ए ओवर डी टी का। अब यहाँ से मैं क्या कर दूँ, मुझे एरिया का वैल्यू चाहिए, तो मैं डी टी को इधर भेज दूँ और दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट इंटू डी टी, ठीक है। अब वैल्यू देखो, इस पूरे का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो पूरा एरिया उसको मैं क्या लिख दूँ, जो लिमिट है वो 0 से a लिख दूँ, टोटल एरिया a, और यहाँ तक ये पूरा एरिया स्वैप करने में कितना टाइम लेगा, टोटल t, कैपिटल t, ये जो ऑर्बिटल पीरियड है, तो ये आ जाएगा आपका 0 से लेकर कैपिटल t तक। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा a, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से मैं थीटा डॉट का वैल्यू रख देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 से टी 1/2 आर स्क्वायर, थीटा डॉट का वैल्यू क्या था हमारे पास, वो था जे अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये वैल्यू रख देता हूँ जे अपॉन एम आर स्क्वायर डी टी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 0 से इंटीग्रेशन टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो जे बाय 2m इंटू डी टी। अब देखो ये टाइम के साथ कांस्टेंट है, ये भी है, ये भी है, तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो इनको हम बाहर ले सकते हैं। डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, और वहाँ पर लिमिट रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा कैपिटल टी। तो यहाँ से जो एरिया है उसका वैल्यू आ गया मेरे पास जे बाई 2m इंटू कैपिटल टी। अब यहाँ से मैं क्या कर दूँ, मुझे टी का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं टी का वैल्यू जो निकाल लेता हूँ वो क्या आएगा, इनको इधर भेज दो, 2ma डिवाइडेड बाय j, ये मेरे पास कैपिटल T का वैल्यू आ गया। यहाँ से ये जो एरिया है टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स, ये एरिया किसका है, इस इलिप्स का पूरा एरिया है, तो वो एरिया कितना होता है, देखो ये आपका A है ये आपका B है, तो जो एरिया ऑफ इलिप्स है, एरिया ऑफ इलिप्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका A इक्वल्स टू पाई ए बी स्क्वायर, जो आपका सर्किल होता है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर ये a इंटू बी इंटू पाई, ये एरिया होता है। इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो t का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 2m पाई ए बी बाय j। अब देखो हम कुछ यहाँ पर पहुँच रहे हैं ना, t और यहाँ पर a, a तो आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो b है, ठीक है, ये जो स्मॉल b है, जो क्या है, जो आपका सेमी माइनर एक्सिस है, इसका वैल्यू हम a के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो इलिप्स के अंदर एक रिलेशन होता है उसको हम यूज़ करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, ठीक है। तो कहेंगे इन इलिप्स, ठीक है, क्या होता है आपका, जो b है उसका वैल्यू होता है a इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस e स्क्वायर। ये e क्या है, e है आपका इसेंट्रिसिटी, तो e जो है वो है आपका इसेंट्रिसिटी, ठीक है, e है आपका इसेंट्रिसिटी। अब देखो हम किसका वैल्यू निकालेंगे, 1 माइनस e स्क्वायर। अब हमारा टास्क ये हो गया कि 1 माइनस e स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो मैं निकालने वाला हूँ उसके अंदर भी कहीं ना कहीं a आएगा, स्मॉल a, ठीक है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं स्मॉल ए आएगा, तो वो हमें निकालना है। वो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखो, इसी को मैं दोबारा ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ से देखो ये आपका, लेट अस से मैं इलिप्स ड्रॉ कर देता हूँ पहले, तो ये आपका हो गया सन कुछ यहाँ पर, ठीक है, और जो प्लेनेट है ये प्लेनेट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोजिशन वैक्टर वो तो आर हो गया, ठीक है। और ये जो लिमिट है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका b, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया
ए, ठीक है। अब देखो इलिप्स के केस में ये कोई भी फोकस वन मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होता है आर वन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होता है आर टू, ठीक है। जो इसका ये जो प्लेनेट है वो इस सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो जब ये आर टू पर होता है, देखो इस पॉइंट के ऊपर होता है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तब सन और प्लेनेट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। जब आपका प्लेनेट इस पॉइंट के ऊपर होता है तब सन और प्लेनेट के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, और जब आपका प्लेनेट यहाँ पर होता है इस पॉइंट पर तो सन और प्लेनेट के बीच में क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम पेरी, क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, आर वन को हम बोलते हैं पेरिहिलियन, पेरिहिलियन, और जो आर टू है, जो आर वन है, इसको हम बोलते हैं पेरिहिलियन, और जो आर टू है इसको हम बोलते हैं अपहिलियन, ठीक है। आर वन पेरिहिलियन और आर टू अपहिलियन, ठीक है, इनको पोजीशन को हम ये बोलते हैं। अब देखो, अब यहाँ से हमें वन स्क्वायर रूट वन माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर फोर दे देता हूँ। अब यहाँ से क्या करें हम, हाँ, जो हमारा रिलेशन आया था, जो हमने कैपलर फर्स्ट लॉ में जो डिड्यूस किया था, वहाँ पर हमारा रिलेशन क्या आया था, एल अपॉन आर इक्वल्स टू वन प्लस ई कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम, ठीक है, ये आ गया फ्रॉम प्रीवियस, फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट, वहाँ पर हमारा ये आया था। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, R का वैल्यू निकालता हूँ। देखो यहाँ से अगर मैं R इधर ले जाऊँ, ये नीचे ले जाऊँ, तो R का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, L अपॉन वन प्लस ई कोस थीटा माइनस थीटा प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंडीशन पुट करेंगे, हाँ, एक और बात, यहाँ पर मेरे L का वैल्यू क्या था, L का वैल्यू था मेरा एम के अपॉन जे स्क्वायर, यही था ना, एम के सॉरी जे स्क्वायर अपॉन एम के था, ये था आपका जे स्क्वायर अपॉन एम के, और इसके बाद जो इसेंट्रिसिटी ई का जो वैल्यू था वो था आपका स्क्वायर रूट वन प्लस टू ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, ये वैल्यू था आपका, ये इसेंट्रिसिटी और ये एल। अब यहाँ देखो, अब मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, जब मेरा थीटा माइनस थीटा प्राइम इसका वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, पहला व्हेन थीटा माइनस थीटा प्राइम वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में इसका वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम कितना होता है, वन मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो गया तो ये कितना आ गया, वन प्लस ई, तो ये एल डिवाइडेड बाई वन प्लस ई वो कितना वैल्यू आएगा, वो आएगा मिनिमम मेरे पास, ठीक है। ये मैक्सिमम हो गया तो ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम आ गया क्योंकि ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू एल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, तो ये आर का वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम, ठीक है। तो उस केस में आर क्या हो जाएगा, आर वन, मिनिमम आर वन, तो ये आर वन कितना है, मिनिमम, सही है। फिर उस केस में आपका आर वन अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय वन प्लस ई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केस टू की बात करते हैं, व्हेन थीटा माइनस थीटा प्राइम वो कितना हो जाए, पाई हो जाए, ठीक है, तो अगर पाई हो जाए वो कितना हो जाएगा, कोस पाई का वैल्यू माइनस वन, तो उस केस में वन माइनस ई, तो ये वैल्यू मिनिमम आएगा, नीचे वाला वैल्यू मिनिमम आएगा, तो आर का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो उस केस में आर कितना हो जाएगा, आर टू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। और अगर मैं आर टू का वैल्यू निकालूं, वो वैल्यू आएगा एल डिवाइडेड बाय वन माइनस ई, ठीक है, तो मेरे पास आर वन और आर टू का वैल्यू आ गया। अब देखो यहाँ से ये हमारा नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे काम में, कि ये हमारा रिजल्ट आ चुका है भाई, एरिया का वैल्यू रख दिया हमने, ओके। अब हम क्या करेंगे, हाँ, इस R1 और R2 को देखो, ये वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, स्मॉल a है, यहाँ से यहाँ तक का भी स्मॉल a है, ये इतना वैल्यू R1 है, ये इतना वैल्यू R2 है। जो आप मैंने जो पिछले वीडियो में जो क्लिप डाली थी, वहाँ पर मैंने एक रिजल्ट आपको बताया था, वो क्या था, R1 प्लस R2,
ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो R1 प्लस R2 है वो किसके इक्वल होगा, डबल ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, तो वो वैल्यू आ जाएगा आपका 2a के इक्वल, ठीक है। R1 प्लस R2 वो हो जाएगा a प्लस a, ठीक है। यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू निकालूँ वो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ से आप R1 और R2 का वैल्यू रख दो, तो अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, 1 बाई 2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा L अपॉन 1, 1 प्लस ई प्लस L अपॉन 1 माइनस ई, ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाई 2, ये मैं क्या ले लूँ, LCM, तो A माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस ई स्क्वायर, देखो 1 माइनस ई स्क्वायर यही से लेंगे हम। फिर उसके बाद यहाँ से ये क्या बनेगा, 1 माइनस ई इंटू एल प्लस एल इंटू 1 प्लस ई, ये वैल्यू आ गया। यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूँ तो वैल्यू आ गया 1 बाई 2 इंटू में कितना आ गया, देखो माइनस का ई एल और प्लस का ई एल वो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 2l बचा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 2 से 2 गया तो ये वैल्यू आ गया मेरे पास l बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया मेरे पास a का। यहाँ से मुझे किसका वैल्यू चाहिए, 1 माइनस ई स्क्वायर का, तो मैं 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास l डिवाइडेड बाय a। यहाँ से मैं a का वैल्यू सॉरी l का वैल्यू रख देते हैं, l का वैल्यू क्या था हमारे पास, j स्क्वायर अपॉन एम के, तो ये वैल्यू आ गया j स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम के इंटू a, ठीक है। ये वैल्यू आ गया मेरे पास 1 माइनस ई स्क्वायर का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूँ। अब पुट फाइव इन इक्वेशन नंबर 4। 4 में अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास b का जो वैल्यू है वो आ जाएगा a, फिर इसका आप कर देंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट करेंगे तो j स्क्वायर अपॉन एम के a। यहाँ से देखो a की पावर 1 बाई 2 और ये a की पावर 1, तो ये कितना बनेगा, a की पावर 1 बाई 2 j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एम के बन जाएगा। इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर 5। अब क्या कर देते हैं, जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके अंदर स्मॉल b का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये मैं रब कर देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमने काम में ले लिया है। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ पुट इक्वेशन 5 इन 3, तो यहाँ से जो t का वैल्यू है वो आ जाएगा 2m पाई a का, a तो a है, फिर उसके बाद b का वैल्यू रख दो a की पावर 1 बाई 2 j डिवाइडेड बाय j इंटू स्क्वायर रूट एम के। यहाँ से j कैंसिल हो गया तो ये कितना बना, a इंटू a की पावर 1 बाई 2, तो ये बना a की पावर 3 बाई 2, ठीक है, a की पावर 3 बाई 2 इंटू 2m पाई, और यहाँ नीचे स्क्वायर रूट ऑफ m, तो ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ m बच जाएगा, तो ये बना मेरे पास 2π, नीचे रख देते हैं, तो t का वैल्यू है मेरे पास 2π इंटू स्क्वायर रूट, ओके हाँ स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा m डिवाइडेड बाय k इंटू a की पावर 3 बाई 2, ये वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4π स्क्वायर इंटू एम के इंटू ए की पावर 3 आ जाता है। यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आया कि जो टी स्क्वायर है वो ए क्यूब के क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये है आपका कैपलर थर्ड लॉ, ठीक है, ये क्या है कैपलर थर्ड लॉ, और ये क्या है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये क्या है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ओके। अब देखो हम थोड़ा सा कुछ और भी करते हैं इसके अंदर। एक जो चीज़ के अंदर रहती है वो क्या है कि यहाँ इस लॉ में जो मैंने थोड़ा बोला था ना आपको पिछले लेक्चर में कि जो कैपलर थर्ड लॉ है वो अप्रोक्सीमेटली ट्रू है, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। क्यों है वो ऐसा है कि यहाँ पर ये जो स्मॉल m है, ये जो स्मॉल m है, इट इज़ नॉट द मास ऑफ प्लैनेट, नॉट द मास
ऑफ प्लेनेट, ठीक है, ये प्लेनेट का मास नहीं है। यहां पर देखो, अगर आप याद करो फर्स्ट लेक्चर को, जस्ट फर्स्ट लेक्चर को, वहां पर हमने क्या किया था कि जो टू बॉडी प्रॉब्लम था उसको हमने वन बॉडी के इक्विवेलेंट माना था, वन बॉडी के इक्विवेलेंट हमने कर दिया था। और वहां पर कैसे किया था इक्विवेलेंट, कि जो हमने M1 M2 क्या था, M1 into M2 divided by M1 plus M2 equals to हमने म्यू रखा था, हमने क्या किया था रिड्यूस्ड मास को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, रिड्यूस्ड मास। तो ये जो M है ये आपका इस प्लेनेट का मास नहीं, ये है आपका रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो देखो ये भी आपका एक टू बॉडी प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पर ये जो M ले रहे हैं वो क्या है, आपका रिड्यूस्ड मास है, ठीक है। और एक और बात, ये जो K है, ठीक है, जो हमने कल हमने इंट्रोड्यूस किया था लॉ ऑफ सॉरी इनवर्स फोर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, वहाँ पर हमने K का वैल्यू, देखो F ऑफ R वहाँ पर क्या था, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, इसको हमने किसके इक्वल रखा था, माइनस के अपॉन आर स्क्वायर के। यहाँ से मैं के का वैल्यू निकालूँ वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जी एम वन इंटू एम टू, ठीक है। तो जो के है वो भी सभी प्लैनेट्स के लिए कांस्टेंट नहीं है, है ना, सॉरी सभी प्लैनेट्स के लिए सेम नहीं है, और जो म्यू है वो भी सभी प्लैनेट्स के लिए सेम नहीं है। तो देखो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का वैल्यू रखता हूँ एम अपॉन के का, तो वो वैल्यू आ जाता है मेरे पास, देखो यहाँ से अगर मैं टी टी का वैल्यू निकालूँ, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का निकाल लेते हैं, तो फोर पाई स्क्वायर इंटू एम का वैल्यू क्या रखेंगे, ये रखेंगे हम, वो कितना आएगा एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। फिर उसके बाद वन बाई के का अगर रखते हैं तो वो कितना आ जाएगा जी, ओके वन बाय वन ओवर जी एम वन एम टू, ये वैल्यू आ गया इनटू में ए क्यूब, यहाँ से एम वन एम टू से ये गया, तो यहाँ से टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, फोर पाई स्क्वायर वन बाय जी एम वन प्लस एम टू इनटू ए क्यूब, ये है आपका, ये है आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब देखो जो मैंने बोला वो क्या बात है कि ये जो प्रोपोर्शनल है वो तो चलो ठीक है, टी स्क्वायर ए क्यू के प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हर प्लेनेट के लिए अलग अलग है, ठीक है। जो हम एम ले रहे हैं ये क्या है आपका रिड्यूस्ड मास, ठीक है। अब अगर आप प्लेनेट कंसिडर करो, लेट अस से वीनस करो या अर्थ करो, तो ठीक है ये आपका ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होता, जो म्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू एम आता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कंसिडर करो जुपिटर को, ठीक है जुपिटर को, तो जुपिटर का जो मास है वो क्या है 0.1% ऑफ एम वन, एम वन क्या है सन का मास, तो जो मास ऑफ जुपिटर है वो क्या है 0.1% ऑफ एम वन, तो वो नेग्लिजिबल नहीं है, ठीक है। तो उस केस में आपका ये जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू कुछ वैरी करता है, ठीक है। तो इतनी बात थी कि जो प्रोपोर्शनल तो है लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हर प्लेनेट के लिए अलग अलग है, थोड़ा बहुत वैरी करता है, ज़्यादा कुछ वो डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। और ये है आपका इसका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, तो इसके साथ ही आपके कैपलर के दोनों लॉज, तीनों लॉज हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टेबिलिटी एंड क्लोजर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो थैंक यू।